हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरती पथिक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पथिक फिटनेस। आज हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार की जो भी आसन है उसे हमें करना है परफेक्टली, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का प्रोसेस सही होना चाहिए। तो चलिए, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग के लिए, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल बॉडी के लिए हम लोग करेंगे आज सूर्य नमस्कार, और इसके सभी आसनों को कैसे करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने योगा मैट के एज पे जाते हैं, प्रेयर पोजीशन में आएंगे, इनहेल करते हुए सांस लेते हुए हस्त उत्तानासन में होल्ड करेंगे। इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए बेंड फॉरवर्ड, दोनों हाथ अपने पीठ के साइड में प्लेस करेंगे, अपर बॉडी को हेड नी में टच करेंगे, हिप को आगे की ओर पुश करेंगे, वापस इनहेल, लेफ्ट फीट बैक, राइट फीट एकदम 90 डिग्री पे। आप अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको, आप ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन यदि आपको नीज में प्रॉब्लम है तो आप इसका प्लेसमेंट हमेशा इस तरह से करेंगे, एकदम 90 डिग्री पे, और पीछे वाले पैर को थाइस से स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ की फिंगर टिप फ्लोर पे, अपर बॉडी को ऊपर की ओर खींचेंगे और सीलिंग की तरफ देख के होल्ड कीजिए। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। अब दोनों फीट को पीछे लेकर जाएंगे, एक्सहेल करेंगे और दंडासन में होल्ड करेंगे, ना बॉडी ज्यादा अप ना डाउन, बॉडी एकदम पैरेलल, सांस छोड़ेंगे और सामने देखेंगे। चेंज करेंगे, बोथ नी डाउन, ट्राई टू टच फोर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, कोशिश करेंगे चिन को और चेस्ट को फ्लोर से टच करके होल्ड करने की इन चतुरांग आसना। वापस इनहेल करेंगे, अपर बॉडी को स्लाइड करेंगे, भुजंगासन में होल्ड करेंगे। नेवल से उठने की कोशिश कीजिए, बेंड योर एल्बो एंड टच इट टू योर साइड चेस्ट, लुक अप टू द सीलिंग। अब एक्सहेल करेंगे और जाएंगे पर्वतासन में, माउंटेन पोज, हील डाउन, नीज स्ट्रेट एंड ट्राई टू टच हेड टू द फ्लोर। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट फीट अहेड आगे की ओर, पीछे के पैर को स्ट्रेचिंग देंगे, फिंगर टिप फ्लोर पे और पूरी बॉडी अप। आपकी डबल चिन में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। कुछ सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर बोथ फीट अहेड, वापस पदस्थासना होल्ड करेंगे, दोनों हाथ दोनों फीट के साइड में, ट्राई टू टच हेड टू द नी, इनहेल करेंगे, वापस एक्सहेल करेंगे और वापस प्रेयर पोजीशन में आ जाएंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि सूर्य नमस्कार को कैसे किया जाता है, साथ ही साथ आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि इनहेल कब करना है और एक्सहेल कब करना है। वैसे ही ट्रिक है कि जब भी आपका जो फेस है ना वो नीचे की ओर होगा तो हम लोग करेंगे एक्सहेल, और जब भी ऊपर की ओर जाना है तो करेंगे इनहेल। तो सांस की प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे, बस और कुछ नहीं है, करते रहिए स्ट्रेचिंग, बॉडी की फ्लेक्सिबल बनाते रहिए अपनी बॉडी को, और किसी भी तरह के स्टिफनेस को आराम से दूर कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ। नमस्कार।